तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक बैंक निफ्टी का पी लिया हुआ है, जो कि है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है हमारा 44,000। तो 44,000 के नीचे आता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है 50 से 70 पॉइंट का, और नहीं तो ये 44,100 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमको इसमें कुछ खास डिसेंट सा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन देखते हैं अगर जो 100 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाने वाले हैं। तो अभी देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव दिखा रहा है बैंक निफ्टी, और ये अभी 87 के आसपास तक आ चुका था, लेकिन कोई नहीं, 100 के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो रूल के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, आपने अगर जो डिसाइड किया है कि यहाँ पे निकल जाना है तो आपको निकल जाना है, वेट नहीं करना है फिर। ठीक है ना, तो देखिए हमने 3 ऑर्डर मारा यहाँ पे। पहला ऑर्डर हमारा था 90 पे, 100 पे हमने बुक किया इसको, 85 पे हमारा बैंक था इसको सेम प्राइस पे निकाल दिया, और फिर से 95 पे हमने इसी पी को बाई किया हुआ है जो कि अभी 101 चल रहा है। तो देखते हैं अगर जो बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है 440 के नीचे तो फिर हमको एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है जो कि 50 से 70 पॉइंट का हो सकता है। तो देखते हैं, उसी के लिए हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, और हम वेट कर भी रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी को अगर जो आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 10 मिनट से। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पिछले 10 मिनट से ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा हम अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे जैसे कि इनसाइड कैंडल बना हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं एक बड़ी सी कैंडल बनी, उसी के बीच में एक दो कैंडल बनी, उसके बाद ब्रेक डाउन किया, तो हम इस पॉइंट पर बाइंग करेंगे, और ये जो नीचे वाला लेवल है यही हमारा टारगेट है। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं यहाँ पे। हमने थोड़ा सा पहले इंटर कर लिया है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे छोटा हो जाता है, तो इसलिए ओरिजिनल इंट्री आपका इसके नीचे बनेगा और यही आपका एसएल होगा, लेकिन हमने कहीं पे यहीं पे इंट्री कर लिया है। तो देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी देखिए हमारा प्रॉफिट में आ रहा है धीरे धीरे। और जैसा कि मैंने बोला था आपको 44,040 के नीचे इसको हम और भी एग्रेसिव होके सेल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 44,050-60 के आसपास तक आ चुका है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे एक और भी पी हम लगाएंगे 43,800 का। ठीक है, देखते हैं कितने का पड़ रहा है हमको। तो ये है हमारा 53 रुपये का, इसको भी हम बाइंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इसमें होगा। तो अभी हमारा हो तो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा हमको पड़ गया है, और अभी देखिए ये हमारा 44,000 के आसपास तक आ चुका है, और प्रॉफिट भी हमको इसमें ठीक ठाक सा होने लगा है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को अपने हटाएंगे, और यहाँ पे टाइम फ्रेम हम रखेंगे बैंक निफ्टी का 1 मिनट का। इसी टाइम फ्रेम में अगर जो आता है तो हम यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी 44,000 के आसपास आ चुका है, नीचे भी जा रहा है, तो इसी फ्लो में अगर जो जाता है तो फिर अच्छा है, नहीं जाता है तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। तो ऊपर में आप हमारा प्रीमियम देख सकते हैं 130-131 के आसपास चल रहा है अभी भी, तो देखते हैं। अभी हमारा एट द मनी हो चुका है ये, जो 44,000 को ब्रेक कर चुका है बैंक निफ्टी, तो चलिए दोस्तों एक बार हम निकाल लेते हैं क्योंकि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो 1,000 के समथिंग हमको इसमें प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। और उसके आगे आप देखिएगा तो ये जो ट्रेड हमने लिया था आपके सामने, इसमें भी हमको 128 रुपये के समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है।
तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और इसको चलने देंगे जहाँ तक बैंक निफ्टी जा रहा है। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे कितने का, तो यहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 41 का। ठीक है, तो हमारा 57 का बाई है, तो 41 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं। अगर जो इसी फ्लो में ये आ जाता है 950 के आसपास तक, तो एक बार हम बुक कर लेंगे अपनी सारी क्वांटिटी और उसके बाद हम आराम से अपना आज का प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। तो अभी आने देते हैं थोड़ा सा और नीचे, इसको देखते हैं, इसमें 200-300 का भी प्रॉफिट हो जाए तो काफ़ी है हमारे लिए। तो वेट आपको करना पड़ेगा दोस्तों ट्रेड लेने के बाद, अगर जो आप वेट नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वेट करना होगा आपको, और वेट का ही फल आपको देता है। अगर जो आप सही डायरेक्शन में हैं तो आप अपने ट्रेड लेने के बाद वेट कीजिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि हमको ज़्यादा लॉस लेना नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 49 और यहाँ पर हम कर देते हैं 50। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हमारा लग चुका है, मात्र हमारा यहाँ पे 7 रुपये का स्टॉप लॉस है। जैसे कि आप देख सकते हैं 57 का हमारा बाइंग है और 50 का हमने इसमें SL रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 7 रुपीज़ का रिक्स है, 7 × 25 कीजिएगा तो मान के चलिए 175 रुपये के समथिंग का हमारा रिक्स है, जो कि यहाँ पे आप देखिएगा तो 180 रुपये का प्रॉफिट हमको हो रहा है। तो ये SL कटेगा या फिर प्रॉफिट देगा, जो भी होगा हम लॉस में नहीं जाने वाले हैं आज के दिन। तो ये आज का वीडियो है, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर रोक रहा हूँ। छोटा सा पोजीशन है, इसी को मैं रन करूँगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर जो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक और जीरोधा का लिंक है, वहाँ से जाके आप किसी एक ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, आप स्टॉक में फ्री में हो जाएगा और आप हमारे साथ लाइव ट्रेड करने का मौका पा सकते हैं। 10 ऐसे क्लाइंट को मैं लाइव ट्रेड कराऊंगा जो कि सच में सीरियस होंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।